हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। रूबिक्स क्यूब की वीडियो है यार ये। तो मैंने अभी कल एक शॉर्ट बनाया था कि फ्राइडे तो वेट कर लो, तो मैं आज फ्री था इसीलिए डाल रहा हूँ। तो आज ना मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, दो ट्रिक सिखाऊंगा, आज मैं दो तीन ट्रिक सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ना एक क्यूब ले लेना है, पूरा सॉल्व क्यूब, ठीक है? ये रूबिक्स क्यूब ऐसा ना, ऐसा ना एक पूरा क्यूब ले लेना, पूरा सॉल्व हो, कहीं से भी ना मतलब बिगड़ा ना हो। उसके बाद ना कोई भी साइड ले लो, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। जैसे समझो मैंने ले ली, मैंने ले ली येलो, ठीक है? येलो के नीचे वाइट, ब्लू, कोई भी ले सकते हो। उसके बाद ना ये है ना, इसको ना अप कर दो, ठीक है? उसके बाद यहाँ से ना इसको ऐसे राइट कर दो, ऐसे हो गया। अब ये है ना, इसको ऐसे पकड़ के नीचे कर दो, ठीक है? अब दोबारा ना इस वाले को इधर राइट कर दो। अब आपको अब इस साइड को भूल मत जाना। अब आपको यार ये तो क्यों पूरा बिगड़ ही गया, आप कैसे सॉल्व करें भाई? वीडियो तो देखो। अब देखो ऑरेंज, अब दोबारा से ना अब इसको इस चीज़ को ना 5 टाइम रिपीट करना, क्यूब सॉल्व हो जाएगा। 1 ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? 2 3 4 और ये 5। ये देखो हर साइड से हमारा क्यूब सॉल्व हो गया, कहीं से भी बिगड़ा नहीं हुआ। अब एक और ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ, छोटी वीडियो है, 2 या 3 मिनट की वीडियो होगी। अब एक और ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप 63 मूव्स में क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ 63 मूव्स में। तो इसके लिए ना कोई भी साइड ले लो, ये थोड़ा ध्यान से करना होगा आपको। उसके बाद ना जैसे अभी हमने ये वाला किया था ना, अभी जैसे मैं हमने ये वाला किया था ना ऐसे करके, ठीक है? अभी हमने ये वाला किया था, उसके लिए ना जैसे हमने ऐसे किया था ना, अब उसके लिए दोबारा से अप कर लो। अब ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अब ये है ना, ये साइड, ये साइड इस तरफ को ऐसे पकड़ के इधर कर देना है। जिनको करना आता है वो तो ऐसे कर लेंगे, पर जिनको जो नए हैं, जिनको क्यूब नहीं सॉल्व करना आता, वो ऐसे पकड़ के ऐसे कर लेना। अब इस चीज़ को आपको 63 टाइम्स तक करना है, काउंट कर लेना। काउंट भी नहीं करोगे तो मतलब ठीक है, मतलब हो ही जाएगा। तो चलो 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं ऐसे थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। हमारा 50 टाइम्स का होगा, ठीक है? 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ये 60 हो गया, बस 3 टाइम्स ऑन करना है, क्यूब सॉल्व हो जाएगा। 60 60 हो गया, 61 62। हाँ सॉरी, हाँ 62 मूव्स में, 3 मूव्स में। ये देखो दोबारा से पूरा सॉल्व हो गया, सारे पैटर्न सॉल्व हो गए दोबारा से। ठीक है, अब मैं आपको एक और सिखाता हूँ जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। उसके लिए ना वो सिर्फ 12 मूव्स की है। ऐसे 1 ऐसे करना है, देखो 1 फिर इसको राइट, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो मैंने 12 मूव्स किया। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। तो बेसिकली मैंने ऐसे किया, मैंने क्यूब को लिया, मैंने उसको ऐसे किया, फिर मैंने उसको ऐसे कर दिया। अब मैं दोबारा नहीं ऐसे करूँगा, दोबारा करूँगा तो ये ख़राब हो जाएगा, दोबारा करूँगा नहीं होएगा। अब फिर उसको ऐसे उल्टा कर देना, फिर 2 फिर उसको उल्टा कर देना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है?
और ये होगा 12। देखो मैंने 12 मैंने से बोला ना आपको कि 12 मूव्स करना, 12 मूव्स से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब मैं ना अपना दूसरा रूबिक खिलाता हूँ, दूसरा रूबिक क्यूब लाता हूँ। तो ये रहा मेरा दूसरा रूबिक, ये मेरा है, मेरी सिस्टर का है। तो इसमें ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब मेरे को सॉल्व तो करना नहीं आता, मेरे को ट्रिक्स आती हैं। मैंने कहीं से यूट्यूब से देखी, मेरे को ट्रिक्स अपने आप मेरे को आती हैं। आप यूट्यूब पे देख लेना, आपको बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी सेम मिल जाएंगी तो मैंने किया, पर मैंने इनको खुद ट्राई किया था। तो उसके लिए ना अब मैं ना आपको एक चीज़ जिनको सॉल्व करना आता है उनके लिए मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि स्क्रैम्बल अच्छे से कैसे करो। नॉर्मल स्क्रैम्बल हम ऐसे कर देंगे ना, नॉर्मल हर साइड से हम स्क्रैम्बल ऐसे कर देंगे, ठीक है। ऐसे कभी कभी ना देखो अटकता है ना, कभी कभी अटकता रहता है ना। तो उसके लिए मैं एक चीज़ लाया हूँ, जैसे अभी मेरे बॉटम ऊपर है रेड और बॉटम में है ऑरेंज, ठीक है। कोई याद नहीं करना, सिर्फ ना इसको उठाना ऐसे करना, फिर इसको इधर कर देना। इधर करने के बाद ना, या ऐसे नहीं, ऐसे करने के बाद ना नॉर्मल कर लेना, नॉर्मल जैसे कि ऊपर नीचे कुछ नहीं करना, नॉर्मल। मैंने इस साइड से लेना, इस साइड से लेके ये है ना इसको यहाँ पे करना है नीचे वाले को, और फिर ये है ना ये इसको यहाँ से ऊपर कर देना। ऐसे एक मूव करना है, उसके बाद दोबारा ऐसे कर देना स्क्रैम्बल। ये मैं आपको स्क्रैम्बल का बता रहा हूँ, उसके लिए ना 1 2 1 2, ठीक है। ये अगर जिनको नहीं आता ना, मेरे को भी मतलब थोड़ा नहीं आता, मैंने अपने फ्रेंड से ही सीखा है, तो जिनको नहीं आता वो भी देख लेना, ठीक है। ठीक है, 1 सेकेंड, ये थोड़ी सॉरी गलती से निकल गया। ठीक है, ये आपको ना घर पे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे सॉल्व हो जाएगा ये, मतलब अच्छे से आप स्क्रैम्बल कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आपको ये मेरे को समझ नहीं आया तो नॉर्मल ना मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, फिर मैं इसको साइड में कर रहा हूँ, पर मैं दूसरा कर रहा हूँ, मैं ये वाली उंगली को आपको, ठीक है, ऐसे करना है। ये जो है ना ये वाली उंगली इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे रखना है, इस वाली को यहाँ पे रखना है, और इस वाली को, ये जो है ना ये वाली, इस वाली को यहाँ पे रखना, इसको नहीं छेड़ना, इस थंब को नहीं छेड़ना, इसको यहाँ रखना, फिर इसको ना इसको ऊपर करना, फिर इसको ऐसे, सॉरी हाँ ऊपर ऐसे, मतलब थंब का यूज़ नहीं करना, थंब को मतलब यूज़ मतलब इधर रखना है, मतलब नहीं रखोगे तो नहीं होएगा। ये स्क्रैम्बलिंग का, क्यूब स्क्रैम्बलिंग का एक बहुत अच्छा फार्मूला है, इससे आप बहुत अच्छे से क्यूब सॉल्व कर पाओगे। चलो क्यूब सॉल्व का तो हो गया, अब हम अपनी ट्रिक्स पे चलते हैं। चलो तो मैं वापस से अपना क्यूब ले आऊँ सॉल्व वाला। अब मैंने आपको दो ट्रिक्स सिखा दी, एक तो मैंने आपको ऐसे वाली सिखा दी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्पीड में करके, अभी वीडियो चल रही है 8:04 हो रहे हैं, अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ। अगर इतनी सी स्पीड है, इतनी स्पीड में कोई भी कर ले। अब मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, रुको रुको, ठीक है। सॉरी मेरा क्यों ना थोड़ा सा स्लो है, मैं पूरी तेज कर रहा हूँ, ये हो गया सॉल्व हो गया। और स्पीड में करना है तो उसके लिए आपको अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ना। अब करता हूँ, मेरे हाथ थोड़े से ऑयली हैं इसीलिए, ठीक है, ऐसे करना है। देख लो सारी साइड इसकी सॉल्व हो गई हैं। एक सेकेंड,